31 अक्टूबर को राजपूत सभा जयपुर की मानसरोवर इकाई के भवन पृथ्वीराज भवन में मेमोरी ट्रेनर भवन सिंह शेखावत और उपेंद्र शर्मा द्वारा प्रशिक्षित 5 से 15 वर्ष की आयु के बच्चों ने जस्टिस रेखा राठौड़ और समाज के गणमान्य लोगों के सामने अपनी कला का प्रदर्शन किया। मेमोरी ट्रेनर भवन सिंह शेखावत और उपेंद्र शर्मा द्वारा प्रशिक्षित इन बच्चों ने आंखों पर पट्टी बांधकर ड्राइंग की, किताब पढ़ी, निशाने लगाए, तलवारबाजी और स्केटिंग की। आपको बता दें, ये दोनों मेमोरी ट्रेनर थर्ड आई, जिसे आज्ञा चक्र व पिनियल ग्रैंड कहते हैं, को एक्टिवेट करने की बच्चों को महज 7 दिन की ट्रेनिंग देते हैं। उसके बाद बच्चे अपनी आंखों पर पट्टी बांध करके वो सब काम कर सकते हैं जो आप अपनी आंखों से देखकर करते हैं। राजपूत सभा की मानसरोवर इकाई ने अपने सेक्टर 12 में पृथ्वीराज भवन में इन बच्चों के प्रशिक्षण के लिए एक शिविर लगाया था। 7 दिवसीय प्रशिक्षण के बाद इन बच्चों द्वारा जो सीखा गया उसका प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर समारोह में मुख्य अतिथि जस्टिस रेखा राठौड़ ने दीप प्रज्वलित किया। दिग्विजय सिंह गोकटिया ने मंच संचालन किया। समारोह में अतिथि के रूप में श्री राजपूत सभा जयपुर के संगठन मंत्री धीर सिंह शेखावत, राजपूत सभा मानसरोवर इकाई के अध्यक्ष बहादुर सिंह शेखावत, श्री राजपूत सभा महानगर जयपुर के महामंत्री फतेह सिंह गौड़, लक्ष्मण सिंह गोगटिया, उपाध्यक्ष राजपूत सभा महानगर जयपुर व उत्तर प्रदेश ही राजपूत सभा मानसरोवर जयपुर के महामंत्री मंगल सिंह सेन, श्री राजपूती धर्म मासिक पत्रिका के संपादक सोहन सिंह नाथावत, सुप्रीम कोर्ट व हाईकोर्ट एडवोकेट देवेंद्र सिंह राघव, हिम्मत सिंह चौहान, मानसरोवर इकाई के सचिव राजेंद्र सिंह शेखावत, महामंत्री मोहन जगमोहन सिंह राठौड़ व मानसरोवर इकाई के समस्त सदस्य उपस्थित थे। कार्यक्रम में बच्चों द्वारा आंखों पर पट्टी बांधकर किए गए हैरतअंगेज प्रदर्शन के दृश्य देखने से पहले सुनिए जस्टिस रेखा राठौड़ को और जानिए इस कला के बारे में उनके विचार। जी साहब ने बच्चों की विलक्षण प्रतिभा को दिखाते हुए आज का ये जो प्रोग्राम आयोजित किया है, उस सबके लिए मैं इन छोटे छोटे मासूम बच्चों और उनके माता पिता सभी को बधाई देती हूँ। असल में इंसानी जो क्षमता है, हम कहते हैं कि शायद हम उसका 1% भी यूज़ नहीं कर पाते। आइंस्टीन बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए थे, उनके लिए भी कहा जाता है कि सिर्फ उन्होंने अपनी मानसिक क्षमता का, अपने ब्रेन का केवल मात्र 2-3% यूज़ किया था। तो इतना विलक्षण मानवीय मस्तिष्क है। एक छोटी सी स्टोरी में, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ उपस्थित हैं, एक बार एक चील का बच्चा एक मुर्गी खाने में आकर गिर गया। तो जो मुर्गी खाने की सारी मुर्गियाँ थी, उन्होंने उस बच्चे को घेर लिया और मुर्गी की तरह उस चील के बच्चे को पालने लगी। धीरे धीरे वो अपनी वास्तविक क्षमता को भूल गया और मुर्गियों की तरह ही खाना खाता, मुर्गियों की तरह सोता, उठता, बैठता, सारे काम मुर्गियों की तरह करता। एक दिन आकाश में उड़ती हुई चील को उसने देखा और अपने पंख फड़फड़ाने की कोशिश की। तभी मुर्गी खाने की सारी मुर्गियों ने उसको आकर घेर लिया कि ए बच्चे, तुम मुर्गी के बच्चे हो, पंख मत फड़फड़ाओ, तुम उस चील की बराबरी नहीं कर सकते, तुम उस चील की तरह आकाश में नहीं उड़ सकते। समाज हो या परिवार, वो मानवीय क्षमताओं को धीरे धीरे इसी तरह उस सुषुप्त अवस्था में ले जाता है। हम जब से बच्चा घर में पैदा होता है, वो खिलखिलाने लगता है, हम उसको कहते हैं दीवार पे मत चढ़ बेटा, गिर जाएगा। हम उसको कहते हैं टेबल पर मत छेड़, उसको मत छू, उसको मत छेड़। और धीरे धीरे उसके अंदर ऐसी भावना आ जाती है कि मैं ये काम नहीं कर सकता। और जब बड़ा होता है तब भी वो उस चील की तरह आकाश में उड़ने की सोच नहीं पाता, वो अपने पंखों को फड़फड़ा नहीं पाता, और इसलिए उसके अंदर जो प्रतिभा होती है वो कभी भी पूरी तरह उभर कर समाज के सामने नहीं आ पाती। तो ये बहुत ज़रूरी है कि भंवर सिंह जी जैसे जो टीचर हैं, वो समाज की इन प्रतिभाओं को तराशें। मैं उनका बहुत तहे दिल से यहाँ धन्यवाद करती हूँ कि इस अनोखे आयोजन में उन्होंने मुझे आमंत्रित किया। मैं बहुत करीब 5-6 साल से तो इस वैज्ञानिक विधा से खुद भी जुड़ी हुई हूँ, और मानवीय मस्तिष्क का अध्ययन, यूँ तो मेरा फील्ड लॉ है, लेकिन मैं इस साइंस के बारे में निरंतर अध्ययन करती रहती हूँ, पढ़ती हूँ।
तो मैंने ये देखा कि हमारा जो ये ब्रेन है, इसके मेन दो पार्ट होते हैं। एक कॉन्शियस ब्रेन होता है, जिसके माध्यम से हम लगातार सोचते हैं और जितने भी मानवीय क्रियाकलाप हैं उनको करते हैं, और दूसरा सबकॉन्शियस माइंड होता है। मैं वैसे भी साइंस की स्टूडेंट हूँ, तो थोड़ा डॉक्टर साहब भी यहाँ बैठे हैं, कि जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो हमारी पूरी बॉडी को नियंत्रित करता है। इतनी असंख्य कोशिकाएं हैं हमारे शरीर में, कितने छोटे छोटे झिल्ली नुमा अंग हैं जो उन कोशिकाओं के माध्यम से काम करते हैं, और न जाने लाखों लीटर खून जो है दिन भर में सर्कुलेट होता है इस बॉडी में। तो इतनी जो क्षमता है हमारे मस्तिष्क की, जब वो इतनी एक यूनिवर्स की भांति इस पूरी शरीर को चलाता है, लेकिन हमारा जो कॉन्शियस ब्रेन है वो उसकी क्षमताओं को दबा देता है, कभी उभरने नहीं देता। और ये जो प्रयोग हम बच्चों पर कर रहे हैं, उसकी वजह से उस सबकॉन्शियस माइंड की जो पावर है वो उभरती है, और निश्चित रूप से जब ये बच्चे बड़े होंगे, उस शक्ति को महसूस करेंगे, तब समाज को इनकी प्रतिभा का निश्चित रूप से फ़ायदा मिलेगा। मैं यहाँ उपस्थित सभी को धन्यवाद देती हूँ कि आप सबने मुझे बुलाया। थैंक यू। अब देखिए बच्चों द्वारा किए प्रदर्शन की झांकियाँ। यहाँ पे ये बच्चे आंखों पे पट्टी बांध के अभी ड्राइंग करेंगे। ये आप भी देखना इनकी ड्राइंग कैसे करते हैं, और ये इन्होंने ड्राइंग करना स्टार्ट भी कर दिया है, तो आ जाओ देखते हैं। इस आयोजन में हिमांशी, हर्षवर्धन, राघवेंद्र, अभिश्री नरुका, अर्णव, अथर्व, देवांशु राठौड़, हर्षवर्धन सिंह राठौड़, हिमांशी राठौड़, नवल सिंह शेखावत, पार्थी शेखावत, प्रियांशु राठौड़, रणविजय राठौड़, सिद्धार्थ राठौड़, उपेंद्र राठौड़, वंशिका राठौड़ आदि बालक बालिकाओं ने भाग लिया। वह इन्होंने चित्रों में रंग भरा, लक्ष्य को पहचान कर उसके ऊपर निशाना लगाया, घड़ी और मोबाइल के अंदर नंबर बताए, और आंखों पर पट्टी बांध करके अलग अलग कार्डों के रंग बताए और उन पर लिखी संख्या बताई, तलवारबाजी की। इस तरह इन्होंने अपनी कला का प्रदर्शन किया, जो मनमोहक और हैरत अंगेज था। इस तरह हैरत अंगेज कला का प्रदर्शन करने के बाद राजपूत सभा ने उन बच्चों को प्रतीक चिन्ह दे करके सम्मानित भी किया। अपने बच्चों को ये कला सिखाना चाहते हैं तो ट्रेनर भंवर सिंह शेखावत और उपेंद्र शर्मा से फोन पर संपर्क कर अपने क्षेत्र में शिविर लगवा सकते हैं। इनके फोन नंबर वीडियो में लिखे गए हैं। धन्यवाद।